गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक किरोड़ी सिंह बैंसला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके बेटे विजय बैंसला ने भी पिता के साथ ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में बैंसला बीजेपी में शामिल हुए। बैंसला ने गुर्जरों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और इस दौरान बैंसला ने कहा था कि वे गुर्जर आरक्षण आंदोलन से पिछले 14 साल से जुड़े हुए हैं और इस दौरान उन्होंने दोनों दलों के मुख्यमंत्रियों को नजदीक से अनुभव किया है और दोनों ही दलों की कार्यशैली और विचारधारा देखी है। वहीं हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने की उनसे खास बातचीत। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आखिरकार दूसरी बार भाजपा ज्वाइन की है, क्या वजह है कि दूसरी बार बीजेपी में उनको शामिल होना पड़ा, लेकिन बातचीत जो है उनकी कांग्रेस पार्टी से भी चल रही थी। लोकसभा चुनाव के मतदान के पहले चरण के एंड मौके पर एक दिन पहले किरोड़ी बैंसला ने भाजपा ज्वाइन की है, उन्हीं से जानते हैं, मेरे साथ मौजूद है बातचीत के लिए, उनसे पूछते हैं क्या वजह थी आपकी दूसरी बार आपने भाजपा ज्वाइन की। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि पिछले 15 वर्ष से मैं आरक्षण आंदोलन में काम कर रहा हूँ। मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को देखा, दोनों सरकारों को देखा, दोनों पार्टियों को देखा और मैंने महसूस किया कि बीजेपी की कार्यप्रणाली बेटर है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। कांग्रेस से भी आपकी बातचीत हुई, गुज्जर आंदोलन को लेके एक अहम भूमिका आपने निभाई, प्रदेश में गुज्जरों को एक न्याय दिलाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका रही। मुख्यमंत्री के नाते अशोक गहलोत से आप काफी करीबी रहे, क्या वजह क्या रही, कांग्रेस में क्या कमियां देखते हैं आप, क्या कमी है कांग्रेस पार्टी में? हर एक पार्टी का अलग अलग काम करने का तरीका होता है, मुझे बीजेपी का काम करने का तरीका ठीक लगा। समर्थन दिया है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने भाजपा में शामिल हुए, वोटिंग के पहले चरण के एक दिन पहले भाजपा में शामिल हुए किरोड़ी सिंह बैंसला। अब देखने वाली बात यह कि राजस्थान में 13 जो सीटें हैं उन पे किस तरीके से गुज्जर का प्रभुत्व रहेगा, किस तरीके से वो एक अहम भूमिका निभाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली।